नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चुनावी सर्वे से डरी बीजेपी रोजाना नई नई चाल चल रही है ताकि सर्वों के अंदाजे परिणाम में ना बदल जाए। यही कारण है कि जब राज्यवार चुनावों में बीजेपी को हार नसीब हो रही है तो अपने गिरते हुए ग्राफ को उठाने के लिए बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही बीजेपी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करा सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले को विपक्ष अच्छे तरीके से भी समझ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती, जिन्होंने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, अब वो भी बीजेपी की इस चाल के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो गई है। सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की खबरों के आते ही मायावती एक्शन मोड में आ गई। बीजेपी के इस फैसले को लेकर मायावती ने पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी मायावती ने एक ट्वीट के जरिए दी। वो ट्वीट क्या था वो भी आपको बताएंगे। बसपा की तरफ से जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इस ट्वीट में ये जानकारी दी गई है। यूपी उत्तराखंड के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सभी राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा, क्या पॉइंट इस ट्वीट में है वो सबसे पहले आपको बता दें। इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और महंगाई गरीबी जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच जाया जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों से संपर्क साधने के बाद भी मायावती ने कही। अब आपको ट्वीट दिखाएंगे और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो विस्तार से आपको बताएंगे। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, लोकसभा चुनाव समय से पूर्व होने की संभावना के मद्देनजर बीएसपी द्वारा पार्टी संगठन की मजबूती सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रक्रिया के साथ ही उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर यूपी के बाद उत्तराखंड के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न, ये क्रम राज्यवार जारी रहेगा। यानी कि उन्होंने अपनी रणनीति साफ तौर पर बता दी है कि उत्तराखंड में छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ जो है बैठक वो खत्म हो गई है और अब राज्यवार अलग अलग जगहों पर बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, पदाधिकारियों से बात की जाएगी, जनता से जुड़ा जाएगा। मायावती इस बार चुनावों को लेकर पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। मायावती के ट्वीट से एक बात साफ हो गई है और ये समझा भी जा रहा है कि अगर बीजेपी समय से पहले चुनाव कराती है तो भी बसपा अकेले पूरे तरीके से तैयार है। इस बार मायावती जन मुद्दों को उठाने वाली हैं और इसी कड़ी में मायावती ने राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला के साथ अभद्र असभ्य व्यवहार की जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार इनकी रोकथाम के लिए बसपा सरकार जैसे कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती, ये सोचने की बात है। विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की जघन्य घटनाओं का लगातार होना अति शर्मनाक है। आपको बता दें कि एक ग्राफ, एक आंकड़ा ये बताता है कि बसपा के समय में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बरता की खबरें काफी कम थी, अभद्रता की काफी खबरें कम थी और यही कारण है कि बसपा को काफी पसंद भी किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दलितों के उत्थान में भी मायावती का एक अहम रोल बताया जाता है। और अब जैसे ही सियासी गलियारों में यह खबर आई कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का मूड बना रही है, वैसे ही सभी पार्टियां अलर्ट हो गई, खासतौर पर मायावती। जानकारों का ये मानना है कि ये चाल दर्शा रही है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है और इसी तरह की चालें उनके द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा चली जा रही है। लेकिन मायावती ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने ट्वीट में तमाम जानकारियां दी, रणनीति क्या होगी ये भी बताई और अब इस रणनीति से इंडिया और साथ ही साथ बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर नजर आएंगी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।